एक बार फिर से उमर आर्मी ने लुटाया अपना प्यार उमर रियाज के ऊपर। आखिरकार इसके रिप्लाई में उमर रियाज ने क्या कुछ अपने फैंस के लिए दुआएं मांगी हैं, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, वैसे तो उमर रियाज को कोई भी नहीं जानता था, एक नॉर्मल से डॉक्टर हुआ करते थे उमर रियाज और आसिम रियाज के भाई के नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन उमर रियाज की असली फैंडम बिग बॉस सीजन 15 के घर में बनी। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 15 में जिस तरीके से उमर रियाज ने अपने ओवरऑल द पर्सनैलिटी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया, इसके बाद फैंस को उनका यही अंदाज बेहद ही ज़्यादा पसंद आया। वेल, बिग बॉस सीजन 15 में जब एविक्शन हुआ था उमर रियाज का, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे फैंडम जो है वो तकलीफ में है और उमर रियाज के साथ पूरी फैंडम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं कि हमेशा ही उमर रियाज की फैंडम जो है वो हमेशा ही उमर रियाज के लिए प्यार बरसाती नजर आती है सोशल मीडिया पर, कभी तस्वीरों के जरिए, कभी उनके लिए प्यारे से कोट्स के जरिए, और अब उमर रियाज के लिए उनके फैंस ने एक हैशटैग ट्रेंड करा दिया है जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, हैशटैग ऑलमाइटी ब्लेस उमर रियाज 28 के ट्वीट्स के साथ ट्वीट कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, जहाँ कि कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंस उमर रियाज की ज़िंदगी को लेकर, उमर रियाज की खुशियों को लेकर भगवान से ये दुआएं मांग रहे हैं कि उमर रियाज को ब्लेस करें। वेल, उमर रियाज ही एक पहले ऐसे कहीं ना कहीं जो सुपरस्टार में हैं या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस में हैं, उमर रियाज एक पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने फैंडम के लिए अल्लाह से, भगवान से उनके लिए दुआएं मांगी हैं। जी हाँ, उमर रियाज भी ट्वीट करते हुए अपने फैंस को कहते हैं कि आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहता हूँ भगवान की दुआएं आप सब पर हमेशा बना रहे। वेल, उमर रियाज के ट्वीट करने के बाद बैक टू बैक उनके फैंस की यही रिएक्शन आ रहे हैं कि आप शायद पहले ही एक्टर एक्ट्रेसेस हो जो कि फैंडम से प्यार लेते भी हो और बदले में फैंडम को उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार देते ही हो। वेल, आखिरकार आपका क्या कुछ रिएक्शन है उमर रियाज के इस लविंग नेचर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।